प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के चारों तरफ पानी को कैसे बढ़ाएं, यह जानना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ जो ये पानी होता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, यह ना केवल बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका नॉर्मल अमाउंट, यानी कि बच्चे के दाने के अंदर जो ये वाटर का बैग है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसका नॉर्मल अमाउंट जो है वो बच्चे को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है, बाहर होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है, उसके मूवमेंट्स में हेल्प करता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम बच्चेदानी के अंदर जो ये वाटर बैग है, उसके अंदर जो पानी है, उसका ऑप्टिमम लेवल मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या नेचुरल ऐसे तरीके हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, किन महिलाओं में पानी कम होने का रिस्क अधिक होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। देखिए, गर्भाशय के अंदर जो ये वाटर बैग के अंदर जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसको नापने का तरीका ये होता है कि हम इसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट कैलकुलेट करते हैं। बहुत सी बार आपके डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वह थोड़ा कम की साइड में लग रहा है। अगर पानी ऑप्टिमम भी है तो भी हमें उसे बिल्कुल सही वो चलता रहे, वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाकर बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो जाए और डिलीवरी में प्रॉब्लम आए। कुछ महिलाएं जिनका कि बीपी ऑलरेडी हायर साइड में चल रहा होता है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, या फिर डायबिटीज़ की शिकायत होती है, ऐसी महिलाओं में बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वह कम होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी अधिक की साइड में होती है। ट्विंस के अंदर जिनमें एक ही आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, उनके अंदर भी ये पॉसिबिलिटी आने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है, यानी कि पानी कम होने की जो शिकायत होती है वो थोड़ा अधिक मिलती है। कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है, कंजेनाइटल एनोमलीज के कारण भी ये प्रॉब्लम मिल सकती है। कभी कभी जो वाटर बैग है वो ब्रेक हो जाए या हाई लीकिंग हो जाए, तो उसके कारण भी पानी कम होना शुरू हो जाता है। पानी कम होने का और इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी ड्यू डेट को क्रॉस कर गई है, यानी कि पोस्टम प्रेगनेंसी हो गई है, आपकी ईडीडी निकल गई है, लेकिन लेबर पेन खुद से शुरू नहीं हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या हम खाने पीने में ऐसा ध्यान रख सकते हैं जिससे कि ये जो बच्चे के चारों तरफ पानी है वह नॉर्मल अमाउंट में मेंटेन रहे। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप खुद का लिक्विड इनटेक जो है वो ज़्यादा की साइड में रखिए, यानी कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। ना केवल आप पानी पीजिए ज़्यादा, बल्कि नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, जूस, छाछ, ये सब भी अधिक मात्रा में लीजिए, यानी कि जो लिक्विड्स हैं वह आप अधिक लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है वह बच्चेदानी की तरफ डाइवर्ट होगा और पानी उतना ज़्यादा बनेगा। रेस्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड में करवट लेके आप रेस्ट करेंगे तो वह और भी अच्छा रहेगा। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, यानी कि लेफ़्ट साइड में करवट लेके आप रेस्ट कीजिए। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए, वह भी बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसका अमाउंट बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। कभी कभी नेचुरल इन चीज़ों से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम लोग आर्जिनिन सप्लीमेंट्स देते हैं। जी हाँ, ये आर्जिनिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, यह भी बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। यूजुअली 3 ग्राम के सेशे दिए जाते हैं दिन में 2 से 3 बार, लेकिन इसका प्रयोग आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर ही करें, ऐसे डायरेक्टली नहीं कीजिए। तो ये वो तरीके हैं नेचुरली, यानी कि बेसिकली आपको लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना है, रेस्ट करना है और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है। फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो अपने गायनेक से सलाह लेकर आप आर्जिनिन सप्लीमेंट्स चालू कर सकती हैं, जिससे कि आपके बच्चे के चारों तरफ पानी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रहे, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो और नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो पाए। इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।